क्षेत्रीय विधायक श्री प्रभात वर्मा जी आज कोक नगर क्षेत्र का दौरा किए हुए हैं। यहाँ की पब्लिक का काफ़ी शिकायत है कि बिजली बराबर नहीं आ रही है। इसके बारे में हम विधायक जी से जानना चाहेंगे कि इस शिकायत का निराकरण कैसे वो करवाएंगे। हाँ तो विधायक जी, आप ये बताइए, लोगों का शिकायत है कि क्षेत्र में बिजली बराबर नहीं आ रही है, तो इसके बारे में कैसे निराकरण करवाएंगे? हमारी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा, तहसील क्षेत्र में 22 घंटा, शहरी क्षेत्र में 24 घंटा बिजली सरकार दे रही इस समय। गांव में और शहरों में विद्युतीकरण का काम तेज गति से चल रहा है, जिससे जो भी विद्युत सबस्टेशन है वो ओवरलोड हो गए हैं। और 110 का जो बिजली मनकापुर से आती है, वो बिजली यहाँ तक आते आते कहीं जंगल में तार गिर गया, कहीं कुछ गिर गया। जल्द ही घारीघाट में 132 का सब स्टेशन बनेगा, बिजली समस्या दूर हो जाएगी। और ये इसके पितृपक्ष के बाद जल्दी ही देवरिया मानपुर विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन होने वाला है। और फिर नेतुआ परसा तिवारी में दोनों पावर हाउस बनके तैयार हैं। जैसे ही दोनों पावर हाउस चल जाएंगे, बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। और जिन गाँव में बिजली अभी तक नहीं लगा है, 200 से 250 मजरे ऐसे हमारे गौरा विधानसभा में हैं, उन 250 मजरों पर 30 दिसंबर तक उन सभी मजरों पर विद्युतीकरण का काम करा दिया जाएगा 30 दिसंबर तक। श्रीवास्तव जी, आपको क्या शिकायत है? बिजली के तार आप बताएं। विकास कार्य विधायक जी द्वारा त्वरित कार्य से किया जा रहा है। समस्याएं पैदा बिजली के बारे में, बिजली अभी कुछ गांव हमारे गांव में ग्राम सभा कुकडंगर में कुछ गांव छूटे हैं, जैसा कि विधायक जी द्वारा बताया गया कि 30 दिसंबर के अंदर वो गांव पूरा कर लिया जाएगा। और जब पूरा हो जाएगा तो बिजली की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी प्रधान प्रतिनिधि कुपवाड़िया के हैं, उपस्थित हैं, हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि बिजली के बारे में क्या शिकायत है। विधायक से मैं कह रहा हूँ कि हमारे गांव में जो बिजली के तार हैं, छोटे हैं, खंभे हैं, उसको सही कराए, पुराने तार चले। इसलिए मैं विधायक से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे गांव में तत्काल बिजली का तार बदलवाएं। जहाँ जिन लोगों ने, जिन गाँव ने जर्जर तारों का प्रस्ताव दिया है, पूरे क्षेत्र में 30 दिसंबर तक वो भी तार बदले जाएंगे। जिन गांव में, जिन लोगों ने दिया कि हमारे गांव में जर्जर तार है, पुरानी लाइन है, उसको बदलवाया जाए, वहां हमने प्रस्ताव भेजा है। और जो लोग अभी प्रस्ताव नहीं दे पाए हैं, वो अपने पावर हाउस पर या फिर हमें लिख करके JEESTO XCN मनकापुर को दे या हमें दे दें, हम भिजवाने का काम करेंगे। उन गाँव में भी जर्जर तार सभी बदले जाएंगे। तो क्षेत्रीय विधायक जी भी बता रहे थे कि जिन लोगों ने शिकायत किया है, उनकी शिकायत का जल्द ही निराकरण कराया जाएगा। बिजली जो है यहाँ सही सलामत उपलब्ध होगी, समस्या का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा।